भाई बिग बॉस जितनी जल्दी रंग बदलते हैं ना उतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता है। वाह बिग बॉस खेल रहे हैं अकेले अकेले और ऑडियंस है खेल लेने। ऑडियंस तो बेवकूफ है, इतने नल्ले छपरी बेरोजगार है यहाँ पे कि साला 29 रुपए का हमने रिचार्ज कराया। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। दिलीप कटारिया भाई को और बिग बॉस ने ऐसे गेम खेले चूतिए लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई निकलना कौन चाहिए। ऑब्वियसली अपने कॉम्पिटिटर को बाहर निकालेंगे भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिग बॉस को ये कहना चाहिए कि लव कटारिया आप अपना बैग उठाओ और सीधे निकल लो। समझ रहे हो ना? उनको ये कहना चाहिए भाई तुम यही चाहते थे ना, हो गया ना, अब तुम्हारे TRP कहाँ से बढ़ेगा। जो TRP था वो बिग बॉस के TRP सबसे हाई लोकेश कटारिया की वजह से और एल्विस भाई की वजह से था, लेकिन तुम्हें तो वो हजम ही नहीं हो रही थी। अब रखे हो 5 नमूने को, एक जो ऐसे मुंह खोल के सोता ही रहता है, एक है जो अपने फैशन में ही रहती है, और दूसरा वो जो औरत मर्दाना की तरह लगती है, और जो साई केतन है वो उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है, स्टैंड ही हिला हुआ है, और एक कौन है कंटेस्टेंट आप बता सकते हैं? रणवीर जी, जो बहुत ही ज्ञान की दुनिया में, पूरा संसार का ज्ञान उन्हीं में भरा हुआ है, बाकी तो वहां पे अज्ञानी थे। तो भाई हम ये पूछना चाहते हैं कि इन सबको रख के आप करना क्या चाहते हो, मतलब क्या चाहते हो? मेरा तो 29 रुपए बर्बाद हो गया, न जाने कितने लोग रिचार्ज कराए होंगे, मतलब क्या ये खिचड़ी बनाया साला, ये खिचड़ी बना के खा लो, भगने का मन नहीं करेगा, ऐसा तुमने हगा है। और उसके बाद से भाई ये दुनिया इतना दोगला है ना, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि दोगला है तो है, ये प्रूफ मैं दिखा सकती हूँ। भाई सिस्टम हैंग हो गया, बोला था मैंने सिस्टम हैंग होगा। तो ये सिस्टम हैंग होने का मजाक बना रहे हैं, और इससे पहले की वीडियो आप देख लो। इनका बस एक ही काम है भाई, जो जीते आके चिपक जाएंगे ऐसे, और जब एल्विस जीता था तब तो भैया सिस्टम कर रहे थे, और जब कटारे निकल गया तो उसी का मजाक बना सिस्टम तो हैंग हो गया, तो कहीं तुम ही ना हैंग हो जाओ। बिग बॉस करेंगे क्यों नहीं, बिग बॉस को दिखा, अरे भाई इतने लोग सपोर्ट करेंगे तो लव कटारिया तो जरूर जीत जाएगा, तो पहली उनकी फट गई ये देख के। भाई सब सपोर्ट में थे लव कटारिया का, इसीलिए उनको हजम नहीं हो रहा था, उसी की वजह से इतना TRP था, लेकिन कहते हैं ना कुत्ते को घी कभी हजम नहीं होता है और कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, वो है बिग बॉस। और भाई ये वीडियो देख के मैं ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि जब लव कटारिया निकला तो उसका दोस्त का रिएक्शन, रोने लगा था, उम्मीदों पे तुमने पानी फेर दिया सच में, अपने बेस्ट कॉम्पिटिटर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को मतलब हटा दिया। मारा सब ठीक है, ऐसा नहीं था कि सब लोग आपके खिलाफ थे, आधे लोग आपके खिलाफ थे, आधे लोग विशाल की साइड भी थे। चलो थैंक यू। अरमान मलिक को समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ बुद्धि नहीं है ना, दो बीवियों को जो बुद्धि अपना दे रखा है। बट तुम साए, तुम अपना व्हाइट जैकेट निकाल दो, रिमूव योर स्वेट हुडी, जस्ट वेयर योर ब्लैक टी शर्ट एंड वेयर योर डेनिम, दैट्स द बेसिक यू कुड डू। अरे अच्छा लगेगा तेरा ब्लैक वाला ही जूता पहना है, ये तो ठीक लग रहा है। देखो अभी देखो, हाँ सही बोल रही है, खाली यही रख, क्लासिक है, आप समझ रहे हो, इधर आना एक मिनट, उसको सुनाएंगे भी। और भाई ये क्या देख लिया, पूरे सीजन में तो इन लोगों की बनी नहीं, ये लास्ट सीजन में सना मकबूल के बताए हुए कपड़े साई केदन पहने, ये क्या हो रहा भाई, ये वक्त बदल दिया जज्बात।
ऐसे लग रही है कि दो एक फ्रेम में दो मर्दाना डांस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लाल साड़ी नहीं साड़ा लग रहा है, कि साड़ के ऊपर साड़ा साड़ी पहना दिया गया है, वो लग रही है वो। इतने मतलब क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। नेजी भाई ऐसे ऐसे करते करते फिनाले वीक में और ऐसे करते करते एक ट्रॉफी और 25,000 रुपए उन्हीं बाय बाय टाटा गुड बाय के हाथ में जाने वाला। ये तो मान लो स्क्रिप्टेड है, क्योंकि उन्होंने जो गेम में कुछ भी नहीं किया वो घर से बाहर नहीं जा रहा, और गेम में जो एंटरटेन किया, जो सबसे लड़ा झगड़ा, जो स्टैंड लिया, वो घर से बाहर हो गया। तो इसका मतलब ये था कि स्क्रिप्टेड था। तो पहले बिग बॉस निजी को विनर घोषित करते हुए, तो इस OTT3 का विनर है सोया हुआ इंसान, जो कि जगेगा ग्रैंड फिनाले में। तो गाइस आई होप आप लोगों को भी यही लगता होगा, तो किसको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइस मैं हूं फेलोनी, तो आपको कैसा लगा मेरी वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आपका क्या ओपिनियन है, ये जो एविक्शन हुआ है वो फेयर है या अनफेयर, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार दो, और जो पिछली वीडियो नहीं देखे हो उसको भी जाके देखो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।